brought to you by YY Gyan Jyoti Solar Lalteen Yojana. जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल. Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. Kapal ko saundarya sajauna ko lagi Poonam Mehndi. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शका में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो नमस्कार. मारवाड़ी गीत संगीत रहन सहन खानों पीणों समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको अभिवादन. आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा देखा कुछ गतिविधियां. भादी मावस ने रानी सती दादी को वार्षिक उत्सव बहुत धूमधाम एवं उत्साह से मनायो गयो. रानी सती सेवा संघ के आयोजन में अग्रवाल सेवा केंद्र में यो उत्सव संपन्न होयो. दादी की कलश यात्रा सूरज आर्केड से शुरू होकर अग्रवाल सेवा केंद्र में संपन्न हुई. दादी को श्रृंगार बहुत ही सोनो और अलौकिक थो. भक्त जन बहुत भक्ति के साथ मंगल पाठ और भजन कीर्तन किया. नृत्य नाटिका संध्या आरती और बग्घी यात्रा विशेष आकर्षण को केंद्र थी. दादी के महोत्सव में भक्ता की अपार भीड़ थी. मारवाड़ी सेवा समिति की सदस्य संस्था मारवाड़ी मित्र सेवा संघ द्वारा थापाथली काठमांडू स्थित प्रसूति गृह में मरीजा और उना की देखभाल करणिया का प्रयोग के लिए प्रशोधित पीने को पानी को प्लांट लगायो गयो है. एक समारोह में संस्था का पदाधिकारी तथा सदस्यों की उपस्थिति में अस्पताल की कार्यकारी निर्देशक शीला वर्मा जी ने उक्त प्लांट हस्तांतरण करयो गयो. ए प्लांट की स्थापना में संस्था का अनेक सदस्यों को विशिष्ट योगदान रहयो है. अब आगे आज का अतिथि से बातचीत. आज आपने कने एक हास्य कलाकार है जो भारत में चर्चित नाम है भारती सिंह. इन्होंने आप सभी टाइम टाइम में चैनल में देखता रहा हो और इन दिनों में झलक दिखला जा में इना को नाच आप सभी को ही देखता आ रहा हाँ. आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा. भारती जी ये कार्यक्रम में आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच. नेपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है. शुक्रिया. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. सबसे शुरू में कुछ आपकी हंसी के फुहारे हो जाए. हंसी के फुहारे मैं ना भी कुछ बोलूंगी तब भी लोगों को हंसी आ जाती है और ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए. क्योंकि आजकल जितनी भी स्ट्रेसफुल लाइफ है हंसी तो दूर की बात, मुस्कुराहन भी, मतलब मुस्कुराना भी लोग भूल गए हैं. बट मैं कहीं जाती हूँ शादी में या फिर एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट के बाथरूम में, तो लोग से हंसने लग जाती है और मुझे बहुत खुशी होती है. क्योंकि रुलाना बहुत आसान है. मैं कुछ भी आपको बता सकती हूँ. मैं थकी हुई हूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो आपकी भी शायद आंखें भर हैं. लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है. जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होंगी. ये इंटरव्यू आपको एडिट करके भेजना है, कल के लिए क्या करना है, कितना फीस का, बच्चों की क्या है, मोबाइल का बिल क्या है, तो बहुत सी दिमाग में चीज़ें चलती हैं. और उस लाइफ में अगर थोड़ी सी लोगों को मैं स्माइल दे रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ और मुझे देख के लोग स्माइल देते रहें. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसी मेरी अच्छी सेहत है. और ना ही मैं कोई डेली सोप वाली हूँ, सीरियल वाली, ना ही मैं कोई मॉडल हूँ और ना ही मैं कोई टीवी की मतलब फिल्म की कोई एक्ट्रेस हूँ. मैं कॉमेडियन हूँ और मैं कॉमेडियन ही रहना चाहती हूँ. क्योंकि टीवी के एक्टर हीरो हीरोइन आते हैं, फेल होते हैं, आते हैं, फेल होते हैं, लेकिन कॉमेडियन कभी फेल नहीं होता. आप जॉनी भाई को देख लीजिए, जॉनी लीवर जी को. वो आज से 15 साल पहले भी फिल्म में थे और अब भी फिल्म में आ रहे हैं. चंकी पांडे जी आप पहले देखते थे, अभी नहीं बेचारे आ रहे. वो सबका टाइम होता है लेकिन कॉमेडियन का टाइम चलता ही रहता है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक कॉमेडियन हूँ. अभी आपने कहा जैसे कि मैं जैसी अभी हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ. तो जब आप इस फील्ड में शुरू में जब आए थे उस समय भी ऐसा ही रहा होगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो उस समय में जब आए थे, उस जो स्ट्रगल पीरियड रहा है, उस समय आपको कभी इस शरीर को लेके कभी तकलीफ या किसी ने कोई बातें कही हो जिससे आपको कभी ऐसा लगा होगा ये मेरे लिए? बिल्कुल. जब कुछ नहीं थी, जब एक आम लड़की थी, पढ़ती थी, ग्रेजुएशन करती थी, तब थोड़ा होता था कि यार मैं मोटी हूँ. लेकिन जब
मुझे पता चला या मैं बहुत बोलती थी, लोग मुझे पूछते हैं कि आपने कॉमेडी की ट्रेनिंग कहाँ से ली। कॉमेडी एक गॉड गिफ्ट है, कॉमेडी सिंगिंग डांस गॉड गिफ्ट है कि आप अपने बच्चे को भेजते हो सिंगिंग के लिए, डांस के लिए, कॉमेडी के लिए, एक्टिंग के लिए। अगर उसके अंदर नहीं होगा ना तो आप जितने मर्जी 3 साल लगवा लो, 4 साल, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये गॉड गिफ्ट है। तो पहले पहले प्रॉब्लम होती थी जब मैं आम लड़की थी, लेकिन आज से 5 साल पहले जो मेरी लाइफ बदली है, मेरे को लगता है कि हर लड़की मेरे जैसी होनी चाहिए। और मुझे अभी लोग इतना मतलब प्यार करते हैं। मैं आज 27 साल की हूँ, लेकिन मैं आज भी दुनिया की नज़र में एक छोटी बच्ची छोटियाँ करती है, जो एक लल्ली जिसका करेक्टर है जो टीवी पे आती है, वही हूँ मैं उनके लिए। गाल खींच जाते हैं मेरे, ये वो, उनको मेरी उम्र का एहसास ही नहीं होता। तो पहले मुश्किल होती थी, लेकिन अभी यही मेरा मतलब अब मेरी यही USP है। अभी आपने जो लल्ली के बारे में बताया, ये लल्ली का जो आपने कैरेक्टर चुना, इसके पीछे कोई खास वजह रही है? बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से। तो अभी भी जो छोटे शहर हैं हमारे इंडिया के, कहीं ना कहीं लड़कियों को कम बोलने दिया जाता है ना, बेटी चलो आप अंदर चलो, बाहर नहीं खड़े होने दिया जाता, लड़के आ रहे हैं आप अंदर चलो, खाना रख के अंदर जाओ, ये वो। तो कई ऐसे सवाल थे जो बचपन में नहीं बोल पाए, है ना। वो लल्ली के करेक्टर में आकर, वो ऐसी बिंदास लड़की है लल्ली कि हर किसी से कुछ पूछ लेती है, साथ वाले अंकल से पूछ लेती है, अंकल आज ईद है, ईद मुबारक, तो वो कहते नहीं बेटा आज तो ईद नहीं है, फिर आप साथ वाली आंटी के गले क्यों लग रहे थे। तो मतलब हर चीज़ वो बिंदास बोल देती है, तो वो लल्ली के जरिए भी क्वेश्चन निकल रहे हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है लल्ली करने में। वो मेरा फोटे है और लल्ली की आवाज़ में मैं कम से कम 2-3 घंटे बोल सकती हूँ आराम से। तो हमारे दर्शकों के लिए लल्ली का थोड़ा सा कुछ करके बताइए। शो करने और क्या करने। तो इस शो में लल्ली कुछ कर रही है या भारती सिंह कुछ कर रही है? वो मोटी कुछ नहीं करती, सारा मेरे को ही करना पड़ता है। और अंकल आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। आपका भी पेट मेरे जैसा ही है? तो वो ऐसी है, किसी का उनके सामने प्राइम मिनिस्टर भी बैठे होंगे तो वो उनको भी पूछ लेगी। मतलब बिंदास बच्ची है वो और बहुत लोगों को पसंद है। कई ऐसे लोग हैं, मैं लाइव शोज करती हूँ इतने, कईयों को मेरा नाम भी नहीं पता, भारती, अरे लल्ली जी, फोन करते हैं लल्ली मैडम कैसी हैं आप। तो मुझे अभी लगता है कि मेरे शादी के कार्ड में भी लल्ली छपेगा, कि जो भी लड़के का नाम हुआ, राहुल वेड्स लल्ली, रमेश वेड्स लल्ली, तो मुझे लगता है कि अभी शादी के कार्ड में भी लल्ली छपेगा। अच्छा, हमने सुना है कि नेपाल से आपका खून का रिश्ता रहा है, ये क्या है, इस बारे में कुछ बताएंगे? मैं तो फर्स्ट टाइम आज मैंने नेपाल की धरती में पांव रखा है, लेकिन मेरे आगे के जो मेरे फादर साइड थे, उनके दादा परदादा इधर के रहने वाले थे, लेकिन वो पंजाब से थे, मम्मी भी पंजाब से हैं। और मुझे नेपाली थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन बहुत बुरी आती है। मैं नेपाली में कुछ बोलिए, बीच में हिंदी निकल जाती है। वो तो चलिए आप पूछिए, आप पूछिए मुझे, मैं बोलती हूँ। नेपाल की ना आने वाले ए भगवान, रुको बनाने तो दो दिमाग में अभी। इस तो है कि मैं पहली बार ऐसा आई छू छो करना ली और मला बहुत रामरो लागियो नेपाल। और मेरा दिल कर छा कि मैं हर छुट्टियां वहाँ ऐता ही आऊँ अपने सब परिवार को संगमा और ऐता खूब घूम, खूब खाऊं पीऊं। और इतनी अच्छा है था, मतलब इतनी रामरो रामरो लोग छे था, उनसे मिलूं, बस अभी हिंदी आ गई बीच में, बात करूं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, लोगों को अपनी परफॉर्मेंस से हंसाने के लिए और उन्हें शो में बांधे रखने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़रूरी लगता है आपको? क्या आप उनकी बात करो, चुटकुले तो बहुत होते हैं, हाथी चींटी के भी, चूहा बिल्ली के भी, लेकिन आप है कि आप लोगों को कैसे बांध सकते हो। अभी मैं कैसे बांध सकती हूँ आपको, मैं अभी चुटकुले सुनाऊँ तो शायद बीच में से 3-4 लोग निकल जाएंगे। मैं आपको बात करूँ कैसे हैं आप, भाभी जी कैसी हैं घर पे, तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे, है ना। तो स्टेज पे ऐसा परफॉर्म करो कि जो ऑडियंस बैठी है आपके साथ जुड़ जाए, उनको लगे कि उनको लगे कि वो भी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। अरे अंकल आप ऊपर आइए ना, भाभी जी आप आइए ऊपर, तो उनको लगे कि मतलब उनसे बात कीजिए, ऐसे वाला। और बहुत मुश्किल होता है हर बार हंसाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग हंसाते हैं तो हम बहुत खुश हैं, कई हमारी भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नहीं स्टेज पे बता सकते या चैनल पे शूटिंग के दौरान नहीं बता सकते, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए शो तो करना ही है। आपने आप जैसे पिस्टल शूटिंग का भी जी कुछ जी, करती जी आई थी पहले, जो उसको मैं वही सोच रही थी, आपने पूछा क्यों नहीं।
पहले तो मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और जो ये गेम है बहुत महंगी गेम है, बहुत ज़्यादा महंगी गेम है। कहते गाड़ी अपनी हो तो चलाने का मज़ा है और पिस्टल अपनी हो तो वो भी चलाने का मज़ा। मैं आपसे नहीं कह सकती कि भाई साहब अपना कैमरा दीजिए मैं इधर करके है ना फुल शॉट लेके देख लूँ। अपना हो तो मैं कोई कुछ भी कर सकती हूँ है ना, क्लोजअप ले सकती हूँ। ये तो जब तक पढ़ाई चल रही थी तब तक पिस्टल शूटिंग चल रही थी क्योंकि कॉलेज में स्पोर्ट्स की गेम थी वो, तो करती रही। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ ख़त्म होना था ना। और मेरे साथ वाली सब लड़कियाँ, और मैं पंजाब के बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ी हूँ जहाँ पे मेरे पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते थे कि पढ़ाना, तो पढ़ी हूँ सिर्फ अपने टैलेंट के कारण। क्योंकि मैं गेम्स करती थी, हर बार कॉलेज को मेडल ला के देती थी, तो वो पढ़ाते हैं स्पोर्ट्स वाले बच्चों को। पढ़ाई ख़त्म हुई, गेम भी ख़त्म हो गई। मैं उस गेम के लिए बहुत ज़्यादा पागल थी। मुझे अगर कोई कहता कि एक हफ़्ता खाना नहीं खाना, सिर्फ तेरे को शूटिंग करनी है राइफल से, तो मैं मान जाती। और जब वो गेम छोड़ी तो मुझे ऐसे लगा कि मैं सांसें लेना बंद कर दी मैंने। मैं बहुत पागल थी उस गेम के लिए। लेकिन तब पैसे नहीं थे पिस्टल लेने के, राइफ़ल लेने के। तब 8 लाख की राइफ़ल थी वो। लेकिन आज भगवान की दया से, इतनी भगवान की मेहर है कि वैसे 4 राइफ़ल ले सकती हूँ, लेकिन अभी चलाने का टाइम ही नहीं है। जिस मंदिर में जाती थी भगवान से हाथ जोड़ के यही कहती थी कि भगवान मेरे को शूटिंग में आगे निकलना है, तो भगवान ने सुन लिया, इस शूटिंग में आगे निकाल दिया। किसी भी तरह की शूटिंग में हैं आप। अभी मैम ये गलती मेरी थी भगवान के सामने बोलने की, मैं पिस्टल शूटिंग बोलती तो शायद उसमें करते, तो मैंने अकेला यही बोला कि मेरे को शूटिंग में आगे निकलना है, तो भगवान ने सोचा कि ये वाली शूटिंग चलो कहते इसमें आगे निकलो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। दर्शक ब्रेन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न आप लोग आकर लिए। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, ओलम्पिक 2012 सबैभन्दा बढी स्वर्ण पदक जित्ने राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए दक्षिण कोरिया, अप्सन बी चीन, अप्सन सी अमेरिका, या अप्सन डी बेलायत। दिएका अप्सनहरू मध्ये ए एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाईको गिफ्ट ह्याम्पर। प्रेस्टीज फ्लोर म्याट्स। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई। प्रत्येक महिना सामसुङ मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। ज्ञानज्योति सोलर लालटेन योजना। जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। लाइफ इज सो स्लीक इन माय किचन। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं भारतीय हास्य कलाकार भारती सिंह जी से। आओ ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। ये जैसे आपने जो हंसी को छोड़ के अभी झलक दिखला जा में नृत्य का आप कर रही हैं, और आपका जो परफॉर्मेंस देखते हैं तो उससे ऐसे लगता है कि आप बहुत पहले से करती आई हो इस तरीके से, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आप दे रहे हो, तो ये अचानक परिवर्तन क्यों? कॉमेडी करते 4-5 साल हो गए थे, और मैं आपको एग्जांपल दूंगी। आप रोज अगर मैं दाल चावल देती रहूं और एक दिन मैं आपको बोलूं कि दाल चावल और साथ में आज आपको पनीर की भुर्जी भी दी जाएगी, तो आप कहेंगे हाँ यार दो। तो मैं भी चाहती हूँ कि कुछ अलग हो मेरी लाइफ में। मैंने थिएटर किया है बहुत, और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं अच्छी कॉमेडी कर सकती हूँ, एक्टिंग कर सकती हूँ, तो डांस में क्यों पीछे। मैं रिदम में थी लेकिन टेक्निक नहीं बताती। लेकिन झलक में जब आई, मुझे अच्छा पार्टनर मिला, तो उन्होंने बताया कि टेक्निक क्या होती है, लिफ्ट्स क्या होते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि शायद जो डांसर होते हैं वो पतली लड़कियां उठा के घुमा लेते हैं और ये कर दिया, उल्टी पुल्टी कर दी, तो मेरे जैसी लड़कियां नहीं हो सकती। लेकिन सेवियो ने मुझे बताया कि कोई भी हो लिफ्ट्स कर सकता है, और उसने एक एक टेक्निक बताई मुझे कि लिफ्ट कैसे करते हैं। जो लिफ्ट करते हैं, जो लड़का लड़की को उठाता है, तो सारा वेट लड़के के ऊपर नहीं होता, आधा वेट लड़की लेके होया, आधा काम लड़की करती है उसमें। तो जब उसने बताया और मैंने उसके साथ ट्राई किया, तो इतना वो चीज़ आसान लगी ना। तो मतलब वही है कि ABC डांस की सेवियों ने सिखाई है। डांस पता था, बारातों में बहुत डांस किया, मामा की शादी में, भाई की शादी में, लेकिन पता नहीं था कि 1-2-3 पे ऐसे जाना है, वो उन्होंने बताया। तो
सबसे बड़ा डांस करने में, और आपने इतना अच्छा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप जब भी मेरा शो देखते हैं आपको लगता है कि मैं डांस बहुत पहले से करती आ रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, एक चीज है, जैसे ज्यादातर कॉमेडी शोज जो होते हैं उसमें लोग डबल मीनिंग जोक्स को ही यूज ज्यादा करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। कॉमेडी में हंसाने के लिए क्या ये डबल मीनिंग जोक्स जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे हर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि जो मैं कर रही हूँ शो कॉमेडी सर्कस, उसमें कुछ कुछ नॉटी ह्यूमर भी है, तो मैं सबसे मुझे बोलते हैं तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि जो कॉमेडी सर्कस है, जो कहते हैं कि आपका इसमें ह्यूमर थोड़ा नॉटी है, थोड़े कॉमेडी सर्कस में डबल मीनिंग जोक्स आते हैं, तो मैं उनको सीधा जवाब देती हूँ कि ये शो आपके लिए नहीं बना रहे, पूरे मास के लिए बना रहे हैं हम लोग। कॉमेडी सर्कस लाइक ए मिक्स फ्रूट पेड़, मिक्स फ्रूट पेड़ है। आपको आम पसंद है, आप आम तोड़ के जाइए ना, किसी को अंगूर पसंद है वो अंगूर खाए, सब लेवल के वहाँ पे लोग हैं। कृष्णा सुदेश थोड़ा सा उनका नॉटी ह्यूमर है, थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। कपिल भाई का थोड़ा सिंगिंग वाला है, मेरा बच्चे वाला है, तो ठीक है आपको मैं पसंद हूँ तो आप मेरा देखो कहीं और लगा लो। हम ये नहीं कहते पूरा देखो, ये मिक्स फ्रूट पेड़ है, आपको जो फल पसंद है आप खाइए, दूसरा लगा लीजिए। अच्छा, नेपाल के लोगों में जो आपकी फील्ड में चाहे कॉमेडी में हो जी, वो जो जाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं कहती हूँ कि जो मेरी एज के लोग हैं और या जो मेरे से छोटे हैं, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम आजकल की जेनरेशन के हैं, क्योंकि हमारे मॉम डैड दादा दादी बहुत पुराने जमाने के थे, तब ऑडिशंस नहीं होते थे। तब होते थे कि अगर शमी कपूर का भाई है तो वही फिल्म में आ सकता है, करिश्मा कपूर उनकी बेटी है तो वही आ सकती है, है ना, एक दूसरे के चाचा मामा के बच्चे ले आते थे। लेकिन अभी ऑडिशंस इतनी अच्छी चीज बन चुके हैं और हमें आगे जाने का मौका दे रहे हैं। मैं भी ऑडिशन से ही उभरी हूँ, मेरा कोई चाचा मामा मीडिया में या बॉम्बे नहीं था, तो मैं भी ऑडिशन से ही निकली हूँ। तो प्लीज आपके शहर में अगर कोई भी ऑडिशन होते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी और कुछ भी, तो आप प्लीज चाहे घंटों लाइन में क्यों ना लगना पड़े, आप लग के ऑडिशन दीजिए, क्या पता कौन सा रास्ता आपको मुंबई की तरफ ले जाए। अच्छा, आज आप जो नेपाल में शो करने वाली जी, उसका विशेष आकर्षण क्या रहेगा? अभी तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं नेपाल में काठमांडू में पहली बार आई हूँ और मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने फिल्मों में भी देखा है मंदिर को और बहुत सुना है कि बहुत मानता है, तो मैंने आते ही कहा कि मेरे को मंदिर देखना है, तो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अरेंज। और मुझे ऐसा है कि नेपाल में आज मेरा पहला शो होगा कल, तो मुझे ऐसा करना है कि लोग याद करें कि एक लड़की शो करके गई है तो मज़ा आ गया। क्योंकि अभी भी जितना मर्जी बोला जाए, लड़कियों को अभी भी कहीं ना कहीं पीछे दबाया जाता है ना, तो मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप बोलते हो कि हमारी बेटी बड़ियों की हीरोइन बनेगी, मॉडल बनेगी, आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि आपकी बेटी बड़ियों की कॉमेडियन बनेगी? तो मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि जिससे लोग बोले कि यार तू भी भारती जैसी बन। मैं तब अपने आप को कामयाब सोचूंगी जब कोई पेरेंट्स मेरे पास आएंगे अपनी बच्ची को लेकर, कहेंगे भारती जी हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची आपके जैसी बने, तो मैं सोचूंगी कि उस दिन मैं फेमस हुई हूँ। अच्छा भारती जी, अभी जो आप नेपाल में जो शो करने आई हैं, जिसके लिए आपको ये मारवाड़ी युवा मंच ने, तदर्थ समिति ने जो बुलाया है, तो ये इसके बारे में क्या आपको लगता है, इससे आपके संपर्क से आप नेपाल आने को आपको मौका मिला? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत तरस रही थी काठमांडू में आकर कि नेट पे देखती कि काठमांडू जाऊंगी या फोटोग्राफ्स देखती थी, तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी ये मारवाड़ी युवा संस्था का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया है काठमांडू में आके परफॉर्म करने का, और मेरे फादर से जुड़ी ये जगह का, तो मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। और मैंने मारवाड़ी संस्था के बहुत सारे शो पहले भी किए हैं, दिल्ली में, मुंबई में, बहुत जगह किए हैं, तो प्लीज़ आपको हाथ जोड़ के है थैंक यू सो मच कि आपने मुझे काठमांडू के काबिल समझा कि मैं आपके काठमांडू में आके खुशियाँ बिखेर सकूँ और हंसी के थोड़े हंसगुल्ले दे सकूँ। हिमालय टेलीविजन से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, और ये टेलीविजन की तरफ से आपके लिए छोटी सी थैंक यू सो मच, और ये एक छोटा सा आपके लिए नेपाल की तरफ से हम आपको शुभकामना देते हैं कि ये मेहंदी के रंग आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेके आता रहे। थैंक यू सो मच, ये मेहंदी मैं संभाल के रखूंगी, अपनी शादी पे जरूर लगाऊंगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई अभी, आपने पूछा ही नहीं मेरी शादी का सवाल, तो मैं अभी मेरी शादी नहीं हुई, तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया आपने, क्योंकि अभी एक दो साल में करनी पड़ेगी, तो ये लगाऊंगी। थैंक यू सो मच। दर्शक बृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था भारतीय हास्य कलाकार भारती सिंह जी से, और इणा को कहना यही है कि हंसी ही जीवन में खुशी ला सके है,
तो यह बात ने आप हमेशा याद रखा। और अब जाते जाते पिछला हफ्ता को दर्शक प्रश्न और उनका विजेता को नाम बताने जा रहे हूँ। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, भगवान श्री कृष्णलाई जन्म दिने आमा को थिइन्? अप्सन ए रोहिणी, अप्सन बी देवकी, अप्सन सी यशोदा र अप्सन डी सुभद्रा। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी देवकी। दर्शक प्रश्न को भागीशाली विजेता भई इलेक्ट्रोन को आकर्षक उपहार जितना सफल हुनु भएको छ। 9849577716 वाईवाई को गिफ्ट हैम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 9849482492 9842638398 9841906623 9510225588 9847281647 कनक डिजाइनर स्टूडियो को सुन जस्तै देखिने गहना पाउन सफल हुनु भएको छ 9843317197। कनक्स डिजाइनर डिस्काउंट कूपन पाउनु हुने एसएमएस कर्ताहरू ब्रिटानिया को गिफ्ट हैम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 9843454979 9841227004 9510231351 9088292158 9510221 सैमसंग मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 9841663485 बधाई छ। विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजन को कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नु होला। मोबाइल नम्बर 9849923804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, ओलम्पिक 2012 सबैभन्दा बढी स्वर्ण पदक जित्ने राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए दक्षिण कोरिया, अप्सन बी चीन, अप्सन सी अमेरिका या अप्सन डी बेलायत। दिएका अप्सनहरू मध्ये ए एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाईको गिफ्ट ह्याम्पर, प्रेस्टिज फ्लोर म्याट्स, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई, प्रत्येक महिना सैमसंग मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आजका लिए यो कार्यक्रम इतनो ही, अगला सप्ताह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मने इजाजत दियो, नमस्कार। वाईवाई ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना, जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। लाइफ इज सो स्लीक इन माय किचन, हैव अ लाइफ कर एन्जॉय। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर नेपाल किचन कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। कपाल को सौंदर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी।